इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ ओलंपिक के लिए। तो हमारी ओलंपिक की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, जो कि जो हमारे ओपोनेंट हैं, जो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हैं, हम हमें टक्कर देने वाले हैं, तो उनको देख के हमें उनकी जो वीकनेस है और उनकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनकी बाउट देखते हैं। बाउट देख के हम हमारे अंदर जो कमियां लगती हैं वो सब हम प्रैक्टिस में पूरी करने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी ना रहे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम हार्ड वर्क कर सकते हैं हम उतना कर रहे हैं, क्योंकि ओलंपिक एक ऐसा टूर्नामेंट है जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है और हर किसी का सपना होता है ओलंपिक। तो हमारा सपना भी ओलंपिक के गोल्ड के लिए है, तो हम अपनी अच्छी तैयारी और मेहनत कर रहे हैं। और मैं इंडिया को 48 के जिम में रिप्रेजेंट कर रही हूँ रेसलिंग में, और हमने पहली बार एक हिस्ट्री बनाई है कि 3 लड़कियाँ हम ओलंपिक्स में जा रही हैं रेसलिंग में, और हमारी कोशिश यही है कि हम गोल्ड के साथ पूरे देश का जो नाम है वो हम वर्ल्ड के मैप में हिस्ट्री क्रिएट करें कि 3 लड़कियाँ जो ओलंपिक्स में पहली बार गई हो, 3 ही गोल्ड के साथ वापस आई है, तो ऐसा हम करना चाहते हैं। आज आप प्रधानमंत्री मोदी से मिली थी, उन्होंने क्या कहा, आपको क्या विशेष दिए हैं? देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री अगर हमें बेस्ट विशेष देता है, हमें पास बुलाता है और हमें मोटिवेट करता है, तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती, क्योंकि ओलंपिक्स एक बहुत बड़ा टारगेट है और एक उसको अचीव करना स्पोर्ट्समैन का सपना होता है, और उसके लिए अगर हमारा पूरा देश हमारे साथ है, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति जी और जितने भी लोग हैं वो हमारे साथ हैं, तो हमें नहीं लगता कि हम किसी से कम है और हम मेडल के बिना वापस अपने देश में आएंगे। मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, क्वालिफाई से भी पहले बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा हमने बेटर कर दिया है। हर छोटी छोटी मिस्टेक्स और हर चीज़ पे हम ध्यान दे रहे हैं। अभी हमारा स्पेन एक कंपटीशन है और कंपटीशन के बाद वहाँ ट्रेनिंग कैंप है, तो हम वहाँ भी अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे और अच्छा और बेटर करेंगे। और पूरी उम्मीद है देशवासियों से ये आशा करते हैं कि आप हमारे लिए प्रे करो और हम आपके लिए मेडल दें और देश का नाम रोशन करें। और आज हम मोदी जी से भी मिले थे, उनसे मिलकर भी हम बहुत मोटिवेटेड हैं कि अब तो देश के लिए मेडल लाना ही लाना है। देखिए सर, अभी तक हमारी एक ही लड़की ओलंपिक में हुई आज तक, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 98 से, जैसे जब से कुश्ती महिलाओं की कुश्ती शुरू हुई है, वो पहली बार एक पहला ओलंपिक है जो कि हमारी लड़कियाँ 3 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है और प्रैक्टिस हम अच्छे तरीके से करा रहे हैं, जो हमारी कमियाँ हैं उसको दूर कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ एंडोरेंस वगैरह सबकी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस हो रही है, और हमें विश्वास है कि हमारी तीनों लड़कियाँ मेडल ले आएंगी। अभी स्पेन में भी आप जा रहे 6 तारीख को, और आज मोदी जी से भी आप मिल के आए हैं, तो क्या मतलब मोदी जी से क्या रहा खिलाड़ियों को लेकर? मोदी जी से मिलकर सब बच्चे बड़े उत्साहित हैं, एक नया जोश आया सब प्लेयरों में, चाहे वो कुश्ती है चाहे किसी भी, हर एक खिलाड़ी को एक नया उत्साह मिला है कि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिले। और रही बात हमारी स्पेन की तैयारी की, वो स्पेन में एक कंपटीशन है, वो ओलंपिक से पहले थोड़ा रिफ्रेश के टाइप में कंपटीशन भी लड़ेंगे, और उसके साथ में ये अच्छी प्रैक्टिस मिली तो हम एक हफ्ते का वहाँ से कैंप भी लगाएंगे। तो फेडरेशन के आदेश है कि भाई प्रैक्टिस अच्छी मिली तो वहाँ कैंप भी लगाना है।